See now, question number 5 is convert the following ratio into percentage. हम लोगों ने इसके भी देखा परसेंटेज को हम लोगों ने रेशियो में कन्वर्ट किया था. अब क्या है रेशियो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है सी नाउ फर्स्ट इज 15:25. फर्स्ट क्या है 15:25. 15:25 इज इक्वल टू व्हाट 15/25. ओके सो नाउ 15/25 को 25 इंटू देखो अभी हम लोग को परसेंटेज में ही है राइट तो 25 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से या फिर परसेंट में निकाला तो 100 से रिलेशन है. परसेंट मतलब रिलेशन टू 100 तो 100 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा 4. सो 25 इंटू 4 डिनोमीटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमीटर में करना पड़ेगा 15 इंटू 4. सो 15 इंटू 4 क्या आया 60. 25 इंटू 4 क्या आया 100. सो व्हाट इज 60% कितना आया 60%. ओके इसको तुम अलग तरीके से और एक तरीके से कर सकते हो. ओके वो इस तरह से सुनाओ 15/25 इंटू 100 राइट 25 फोर जा इज इक्वल टू 60. लेकिन हम लोग को क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. दैट्स वाई 15 × 4 25 × 4 सो 60/100 आंसर इज 60%. 60/100 मतलब क्या 60%. यहाँ पे 47:50 अगेन 47:50 इज इक्वल टू 47/50. 50 × 100 सो 50 × 2 47 × 2 47 × 94 50 × 100 सो व्हाट इज आंसर 94% कितना है 94%. नाउ 7/10 7/10 इज इक्वल टू 10 × 10 100. यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा 7×10 = 70. तो 70/100 70% मतलब 7 मार्क्स आउट ऑफ 10. अगर आउट ऑफ 10 7 है तो कितने हैं 70%. 646/600 640/600 इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पे 100 चाहिए. क्या चाहिए 100 तो क्या करोगे 6 से इसको डिवाइड करोगे. 600/6 यहाँ पर भी 6 से डिवाइड करना होगा. सो आंसर इज 91/100. सी 600 × 6 × 100 600 राइट 6×9 = 54 6×1 = 6 सो आंसर इज 91/100 91%. आए समझ में. ओके उसके बाद 7/16 देखो 7/16 मैंने जैसे पहले तुम लोग को यहाँ पे बताया था वैसे यहाँ पे आया है 7/16 × 100 तो 16 से अगर 100 को डिवाइड करोगे ओके तो आंसर क्या आएगा 76.25 7×6.25 7×6.25 आंसर इज 43.75 43.75% मतलब 16 में से 7 मिले मतलब 43.75% गॉट इट एवरीवन. बहुत ही सिंपल है राइट डाउन. ओके सिक्स क्वेश्चन देखो द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5. एट द टाइम ऑफ आभाज बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर.